वेलकम टू कबूतर हिंदुस्तान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कबूतर हिंदुस्तान में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार की कबूतरों से जुड़ी हुई वीडियो देखने को मिलेगी, हर एक उपाय आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शेयर करें, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आइए जुड़ते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कबूतरबाजी में जो हमें कलर मिलते हैं हमें किस प्रकार लगाना चाहिए और किस प्रकार के कलर कबूतरबाजी में लगाए जाते हैं। एक चार्ट के माध्यम से हम आप तक वो पहुँचाएँगे। एक छोटा सा वीडियो, एक रिव्यू दिखाया जाएगा आपको कि इस प्रकार के जो कलर है ये लगाए जाते हैं। यह पंजाब का एक चार्ट है, जिसमें कबूतरबाजी में जो कलर लगाए जाते हैं, जहाँ पर टूर्नामेंट और बड़े बड़े मैचेस होते हैं वहाँ पर एडवांस में ही कलर दिया जाता है कि अपने कबूतरों को ऐसा कलर लगा कर आना है, चाहे वो कैसा भी कबूतर हो उसको उसी के मुताबिक कलर दिया जाता है। जो कलर दिया गया वो फिक्स होता है, उसी कलर के मुताबिक कबूतर को छोड़ना होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी प्रकार की कोई भी बेईमानी नहीं होती। अगर दो कबूतरबाज एक जैसे कलर लगा के आएंगे तो उड़ते कबूतर की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल साफ़ सुथरा, अगर हम अच्छा मैच चाहते हैं, अच्छे टूर्नामेंट चाहते हैं अपने एरिया में करवाना, तो हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि पहले ही कबूतरों को कलर दे देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी भाई को चार्ट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं, टेक्स्ट डालें या मैसेज डालें, किसी प्रकार से भी आपकी सहायता की जाएगी और आपका रिप्लाई दिया जाएगा। आगे हम दिखाएंगे कि कुछ कबूतरबाज भाइयों ने कैसे अपने कबूतरों को डिफरेंट तरीके से कलर लगाए हैं। बहुत ही सुंदर जो तरीका है कलर लगाने का, कोई स्प्रे द्वारा लगा लेता है, कोई नॉर्मली अपने जो है हाथों से लगाता है, उनमें रुई का सहारा लेता है, कपड़े का सहारा लेता है। तो खासकर हमें कलर को बहुत ही सहज भाव से लगाना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, कलर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हमें जो मई जून के महीने से पहले कलर लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर बारिश आती है तो बारिश में पर भीग जाते हैं, जिसके कारण कबूतर जल्दी पर या कुंदे डाल देता है और उड़ नहीं पाता है। अपने टाइम उसकी जो टाइमिंग होती है नेचुरल उड़ने की, वो टाइमिंग भी घट जाती है। अब ये छोटी छोटी फ़ोटो जो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू मिली है, कुछ कबूतरबाज भाइयों ने जब अपने कबूतरों को कलर लगाया, बहुत ही बेहतरीन कलर लगाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो किसी भी तरीके से कहाँ से भी कैसे भी बनाया हो, लेकिन आप तक पहुँचाने का सिर्फ एक ही मोटिव है इस चैनल के माध्यम से, कि आपको ढूंढना ना पड़े, कोई भी चीज़ इस पे मिल जाएगी। और जिस भी भाई, कोई भी अगर भाई कबूतरबाज अपनी वीडियो या पोस्ट डलवाना चाहता है या फ़ोटोज डलवाना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें या फेसबुक के माध्यम से मैसेंजर में जाके कबूतर हिंदुस्तान पर आप बताएँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।